और इसी के साथ आइए अब आपको डिटेल में दिखाते हैं रिपोर्ट्स। भगोड़ा अमृतपाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पंजाब पुलिस अमृतपाल की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। पंजाब से दिल्ली तक छापेमारी चल रही है। चार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यहां पर अमृतपाल का जॉर्जिया तक कनेक्शन भी सामने आ रहा है, लेकिन लगातार जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली क्या लास्ट लोकेशन थी अमृतपाल की, इसको लेकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब तक अमृतपाल फरार है। और अमृतपाल पुलिस से बचने के लिए भागा भागा फिर रहा है। पुलिस से बचने के लिए अलग अलग तरीके के भेष भी बदल रहा है अमृतपाल। ये देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। कभी मर्सिडीज कार में, कभी रिक्शे पर, कभी छाता लिए पैदल जाता नजर आया, कभी भेष बदल कर जाता हुआ दिखाई दिया, कभी बाइक पर तो कभी ब्रिजा कार पर वो नजर आया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इससे बचने की हर कोशिश कर रहा है अमृतपाल। और भगोड़ा अमृतपाल के पासपोर्ट डिटेल का खुलासा भी हो गया है। अमृतपाल का पासपोर्ट नंबर V2155280 है। सभी एयरपोर्ट पर अमृतपाल के पासपोर्ट पर अलर्ट जारी हो चुका है। विदेश भागने की कोशिश में जुटा भगोड़ा अमृतपाल, पासपोर्ट में दुबई के 5 नंबर के डिटेल्स हैं। तो सभी एयरपोर्ट्स पर डिटेल्स जारी कर दी गई है। अमृतपाल का जो मोस्ट वांटेड का पासपोर्ट है उसका नंबर हम आप तक भी पहुंचा रहे हैं, V2155280। ये पासपोर्ट नंबर है और ये सभी जगह रोटेट कर दिया गया है। देश के हर एयरपोर्ट में पासपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी पासपोर्ट के जरिए दुबई से हिंदुस्तान आया अमृतपाल। हिंदुस्तान आने के पहले जॉर्जिया में 1 महीने रुका था। पासपोर्ट से जुड़े 5 नंबरों का भी खुलासा हो चुका है और 5 नंबर हम आपको अब आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। और देखिए, ये नंबर्स आपके सामने हैं, जो नंबर के जरिए कहा जा रहा है कि पासपोर्ट से जुड़े 5 नंबरों की जानकारी सामने आ चुकी है, जिसमें 9715557560 98 नंबर है और 9715557030 नंबर है। इसके अलावा 9715537396995 नंबर है और एक और नंबर है, दो और नंबर्स हैं जिसमें 9715014387062 और 9715536102 नंबर है। और इस खबर पर जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस बार जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कितने करीब पहुंच चुकी है पुलिस अमृतपाल के, क्योंकि अब तो उसके पासपोर्ट पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी कि विदेश भागना उसका मुश्किल है। जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 7 ऐसे राज्य हैं जो जहां पर अमृतपाल सिंह को लेकर बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब पुलिस इन 7 राज्यों की पुलिस के लगातार संपर्क में बनी, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, साथ ही जो राजस्थान है वहाँ की पुलिस से भी लगातार संपर्क में बनाए हुए हैं पंजाब पुलिस। इसके अलावा पंजाब पुलिस की तरफ से एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट अपनी जारी की गई है, बनाई गई है अमृतपाल सिंह को लेकर, जिसमें खास तौर से उसके पासपोर्ट नंबर का जिक्र किया गया है। ये वो पासपोर्ट नंबर है जिसको देश भर के जितने भी एयरपोर्ट हैं हर जगह इनको इस पासपोर्ट नंबर को जारी कर दिया गया है। LOC यानी कि लुकआउट नोटिस पहले से अमृतपाल सिंह के खिलाफ खोल दिया गया था। इसके अलावा खास बात यह है कि इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो अमृतपाल सिंह है वो दरअसल भिंडरवाला के कैसेट, जो ऑडियो कैसेट होते थे उनको सुनने का शौकीन था, अक्सर वो भिंडरवाले के कैसेट सुनता रहता था। इसके अलावा उसकी जो सोच थी वो बेहद कट्टरपंथी थी और वो इस कदर थी कि उसको लेकर उसने बकायदा अपनी एक फोर्स तैयार करी और ये जो फोर्स थी वो पूरी फौज जो थी वो दरअसल जो हथियार थे वो सभी हथियार अपनी फौज को उसने अवैध तरीके से मुहैया कराए थे। किसी भी हथियार का लाइसेंस जारी नहीं किया गया था, अगर कुछ हथियारों का लाइसेंस था तो 1 साल पहले खत्म हो चुका था। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये बताएगा कि आखिरकार अमृतपाल सिंह के कौन कौन खास थे, कहां से उसको फंडिंग होती थी और जो हथियार, कई अहम खुलासे अब तक हो चुके हैं। समर्थक कहे जितेंद्र, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि किस तरह से 7 दिनों में 7 बार भेष बदला गया है और 7 राज्यों तक ये जो जांच की आंच है वो पहुंच चुकी है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।